हेलो बच्चों, कैसे हो? माई सेल्फ दीपक भोला, टीम फिजिक्स CLCC कर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट फोर DTS का, जो पार्ट टेस्ट फोर है, इसका सॉल्यूशन लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, जिस टेस्ट के अंदर हमने टॉपिक कवर किए इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। फिर भी चलो, कुछ डाउट्स हैं आपके तो यहाँ पे उससे अपने सोल्यूशन के थ्रू आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं पेपर सोल्यूशन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज आपको दिया हुआ है 10^-3 माइक्रोकूलम। ठीक है, कहाँ रखा हुआ है? 0, 0 पे। ठीक है, इस तरह से ये चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है इस पोजिशन पे। ठीक है, क्यू पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे क्यू पार्टिकल रखा है और दो पॉइंट है, एक ए और एक बी। ठीक है, ए एंड बी, इनकी जो कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे रखा है आपको √2, √2। ठीक है, ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 0। मीन्स यहाँ पे इस जगह बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2, 0। क्लियर? अब यहां से देखो बेटा, इसकी यहां से तक जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की बात करें अपन ये, और यहां से तक इस डिस्टेंस की बात करें RA एंड RA, ये RA एंड RB दोनों क्या आएंगी? डिस्टेंस इक्वल आएंगी। RA एंड RB क्यों आएंगी इक्वल? देखिए बेटा, यहां पे इसके अंदर ये कोऑर्डिनेट दे रखे ये और कोऑर्डिनेट ये है, तो RA एंड RB इनकी डिस्टेंस अगर अपन देखें तो कैसे निकाल सकते हैं? रूट ऑफ। ठीक है, ये 0, 0 कोऑर्डिनेट है, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं जब भी कोऑर्डिनेट्स की हो? तो फाइनल माइनस इनिशियल करके, मतलब √2-1 होल स्क्वायर, √2-0 होल स्क्वायर, √2-0 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये करके निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 रूट के अंदर, मतलब यहां पे स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 2+2 = कितना है? ये आ गया 2। ऐसे इसका भी आप निकाल लोगे तो आर ए आ गया, आर भी निकालोगे तो यहां भी वही बन रही है। अपन देख रहे हैं क्या बन रही है, √4+0। ठीक है, ये भी क्या आ रही है? 2। तो दोनों डिस्टेंस इक्वल है, RA एंड RB दोनों क्या आ रही है? इक्वल। RA RB इक्वल डिस्टेंस आ रही है। ठीक है, तो यहां पे जितना पोटेंशियल होगा A पर उतना पोटेंशियल होगा B पर, दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये आएगा 0, क्योंकि VA एंड VB आ रहे हैं सेम, डिस्टेंस इक्वल होने की वजह से दोनों पे पोटेंशियल सेम आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। ओके, चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 152। देखिए 152 का अगर आपसे, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, वेयर 2 जूल वर्क मस्ट बी डन टू मूव 4 मिलीकूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो बेटा देखो, जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो वर्क डन हम कैसे निकालते हैं? वर्क डन निकालते हैं W = Q × ΔV, मतलब मूविंग चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से वर्क डन आपको दे रखा है 2, ठीक है, चार्ज आपको दे रखा है 4 मिली कूलम, मतलब 4 × 10^-3 एंड ΔV। पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ΔV, तो इसको ले आएंगे तो 2000/4, मतलब क्या आ जाएगा बेटा ये 500, तो इसका आंसर आ जाएगा 500 वोल्ट। ओके, चलो आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 153 पर। ठीक है, तो 153 का कह रहा है, देखिए क्वेश्चन, इफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, देन काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, मोमेंटम वगैरह बात करने है आपको। तो देखो, जब भी अपन किसी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं तो जो यहाँ पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है वही यहाँ पे इसके अंदर किस में कन्वर्ट होता है? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? Q × ΔV। अब यहाँ पे देखिए, प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? सेम। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, बस प्रोटॉन पे प्लस ई है, इलेक्ट्रॉन है माइनस ई, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है। ठीक है, एंड ΔV तो आपको सेम दिया ही है, आपको ऑलरेडी सेम दिया हुआ है, तो यहां से आप देखते हैं KE = क्या जाएगा? सेम। ठीक है, तो दोनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? सेम। तो बोथ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। ओके, चलो आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है देखिए आपसे, एट अ कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड्स 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, इस तरह से ये ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके तीनों वर्टेक्स पे चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ये आपको दे रखा है 1 माइक्रोकूलम, ये रखा है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, एंड ये 3 माइक्रोकूलम, ये आपको चार्ज पार्टिकल्स गिवन है। ठीक है, और आपको एवरी साइड आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर, एवरी साइड 25 सेंटीमीटर गिवन है, और आपको क्या निकालना बेटा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो यू सिस्टम हम कैसे निकालते हैं? यू सिस्टम इज इक्वल टू
सिग्मा समेशन ऑफ के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू करके, तो जितने भी यहां पे पेयर बनेंगे एवरी पेयर के हम समेशन करना है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू इस तरह से। तो यहां पे देखिए डिस्टेंस, यहां पे टोटल कितने पेयर बनेंगे, तीन, एक तो बनेगा इसका पेयर, एक इसका और एक इसका, टोटल तीन पेयर बनेंगे, तीनों पेयर में डिस्टेंस सेम है, ठीक है, के तो वैसे कॉन्स्टेंट है तो के एंड डिस्टेंस तो सब में सेम है, ठीक है, के एंड डिस्टेंस सब में सेम है, क्यू वन क्यू टू एक बार इसको मल्टीप्लाई करिए कितना जाएगा, वन एंड टू टू, ठीक है, इंटू टेन पावर माइनस ट्वेल्व, ओके, फिर प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स इंटू टेन पावर माइनस ट्वेल्व, ऐसे ही फिर आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना आएगा, थ्री इंटू टेन पावर माइनस ट्वेल्व, ओके, ये आ गया। अब यहां पे इसके अंदर देखिए के को आप रख दें कितना, नाइन इंटू टेन पावर नाइन, डिस्टेंस आपको दे रखी कितनी रखी डिस्टेंस, ये रही 25 सेंटीमीटर, तो 25 इंटू टेन पावर माइनस टू, और ये कितना जाएगा, टू और सिक्स एट, एट एंड थ्री इलेवन, मतलब इलेवन इंटू टेन पावर माइनस ट्वेल्व, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 396 इंटू टेन पावर माइनस थ्री जूल, ये आ जाएगा इसका रिजल्ट सॉल्व करने पर, ठीक है, 396 इंटू टेन पावर माइनस थ्री जूल, आई बस में, ठीक है। तो अब देखते हो बच्चों यहाँ पे इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 155 150 में क्या है, टू कंडक्टिंग स्फीयर दे रखे, रेडियस आर वन आर टू है, ठीक है, हैव सेम इलेक्ट्रिक फील्ड देयर नियर सरफेस, द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, तो बेटा देखो वी ई एंड आर में रिलेशन क्या होता है आप जानते हैं, ये होता है ई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो यहाँ पे क्या चीज सेम दे रखी है, इसके अंदर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई यहाँ पे सेम है, ठीक है, ई की वैल्यू आपको सेम गिवन है सेम, तो आर को इधर ले आएंगे तो वी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आर, तो वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू क्या आएगा आर वन अपॉन आर टू, तो वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू आर वन अपॉन आर टू, यह आ जाएगा रिजल्ट, ओके। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 156 में कह रहा है चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू, इसका मास एम है, इसको हम रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, तो आपसे कह रहा है मोमेंटम रिक्वायर्ड बाय चार्ज, ठीक है, मोमेंटम एक्वायर्ड बाय चार्ज आफ्टर टाइम टी, तो चलो देखो फोर्स एंड मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है, आप जानते हैं जो फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, ठीक है, डी पी अपॉन डी टी, या कहते हैं मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है, तो मोमेंटम हमसे पूछा था, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो गया एफ इंटू टी, अब एफ, ठीक है, एफ मतलब फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है क्यू इंटू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है, तो आप देखिए कौन सा आंसर आ गया क्यू ई इंटू टी, ये आ जाएगा इसका आंसर थर्ड, क्लियर। चलो अब आते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है आपसे, देखिए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 500 एंड द पोटेंशियल इज 3000, व्हाट इज द डिस्टेंस, देखिए अभी आपको बताया था मैंने रिलेशन होता है ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी, ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी, ठीक है, तो यहां से डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू वी अपॉन ई, तो यहां से वी आप कितना रखा है, वी की वैल्यू 3000 वोल्ट, तो 3000 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है आपको 500 वोल्ट पर मीटर, तो कितने टाइम्स कट गया ये 6 टाइम्स, तो ये 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 6 मीटर, ओके, बात समझ आई। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 158 में आपसे कह रहा है वर्क डन, ठीक है, एक डाइपोल है आपको रोटेट करना है फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री पोजीशन, वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, देखिए W इज इक्वल टू PE, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये होता है फॉर्मूला वर्क डन का, तो यहां से इसमें थीटा 1 कितना दे रखा है बेटा, थीटा 1 0 डिग्री, ये थीटा 1 आपको दे रखा है 0 डिग्री, ये थीटा 1 है, ये 180 डिग्री, ये थीटा 2 है, तो यहां रखेंगे cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, फिर माइनस cos 180 डिग्री क्या होता है माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ट्वाइस ऑफ PE, तो ट्वाइस ऑफ PE, तो क्या जाएगा आंसर, ये फर्स्ट आ जाएगा इसका आंसर, क्लियर। चलो आते अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसमें एक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल, इसकी केंद्र से डिस्टेंस r है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई है वो आर के साथ क्या किस तरह से रिलेट होती है आपको बताना है, थोड़ा ई का जो रिलेशन होता है ई, अगर एक्सिस पे अपन देखें, एक्सिस पे क्या होता है 2 के पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है, और अगर इक्वेटोरियल एक्सिस पे बात करें तो उसमें होता है फॉर्मूला के पी अपॉन आर क्यूब, तो यहां से चाहे एक्सिस हो चाहे इक्वेटोरियल एक्सिस हो, तो हम देख रहे हैं नीचे तो क्या आ रहा है आर क्यूब आ रहा है, तो ई की आर के साथ डिपेंडेंसी क्या है, ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब, तो ये फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
क्वेश्चन नंबर 160, कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन, ठीक है, प्लेट हैविंग अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो अच्छा देखो, आपसे कह रहा है कि यहाँ पे एक कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, इस तरह से नॉन कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट है। आप जानते हैं इसकी वजह से बेटा यहाँ पे जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो इट इज नॉट डिपेंड ऑन डी। तो हम देखें, इट इज नॉट डिपेंड ऑन डी, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, नॉट डिस्टेंस ऑन आर, नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस आर। तो यहां से क्या जाएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज डिस्टेंस फ्रॉम, गलत है ये, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस, यस, ये आ गया सेकंड आंसर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट, ओके, ये आएगा इसका रिजल्ट। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 160, उसके बाद 161 आएगा, ये रहा 161 क्वेश्चन। चार्ज 1 अट्रैक्ट चार 2 रिपेल चार्ज 3, 3 अट्रैक्ट 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मस्ट होल्ड गुड फॉर द गिवन कंडीशन ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस। तो देखिए यहां पे आपसे कह रहा है कि 1 अट्रैक्ट 2, तो चलो पहले देखते हैं क्या क्या कंडीशन बोली इसने। तो ये 1 है, ये इस 2 के साथ इसमें क्या लग रहा है, अट्रैक्शन, 1 अट्रैक्शन विद 2, ठीक है, 2 रिपेल 3, तो 2 जो है ये 3 के साथ रिपेल हो रहा है, 2 एंड 3 में क्या है, रिपल्शन फोर्स है। फिर बोल रहा है 3 अट्रैक्ट 4, तो 3 जो है ये अट्रैक्ट 4 है, 3 अट्रैक्शन 4 ये बोला गया आपसे, ठीक है। अब यहां पे कौन सी कंडीशन आएगी ये हमें देखनी है इसके अंदर। तो चलो देखो, अपन जानते हैं, चलो पहले यहां पे देखें 3, यहां पे दो बार लिखा, वैसे 2 भी दो बार लिखा, चलो पहले 3 से देख लेते हैं। चलो 3 को मैंने एक काम किया, 3 को मान लेते हैं प्लस, सपोज 3 प्लस है, ठीक है, सपोज आपने इस 3 को ले लिया, इस 3 को ले लिया प्लस, ठीक है, इसको ले लिया अपन ने प्लस, लेट लेट यहां पे इसको 3 को प्लस ले लिया, ठीक है, 3 को प्लस ले लिया। तो यहां से अब देखिए 3 एंड 4 में अट्रैक्शन है, तो 3 एंड 4 में अट्रैक्शन है, 4 क्या होगा, माइनस, ठीक है, वैसे तो हम जानते हैं जीरो भी हो सकता है, ठीक है, इंसुलेटिंग वाला, एक तरह से अनचार्ज हो सकता है, अनचार्ज में भी अट्रैक्शन पॉसिबल है, लेकिन अभी हम, चलो हम अनचार्ज वाली कंडीशन को अवॉइड कर लेते हैं, हम यहाँ पे केवल दोनों बॉडी चार्ज बॉडी लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज बोला गया इसने, चार्ज सब जगह चार्ज चार्ज वर्ड यूज किया है, मतलब यहाँ पे कोई भी बॉडी न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस, ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ये 3 है, तो देखो 3 एंड 4 में अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन एक तरह से एक प्लस है तो एक माइनस होगा, अब यहाँ रिपल्शन है, तो 3 प्लस है तो 2 भी क्या होगा, प्लस, तभी रिपल्शन लगेगा। अब 2 प्लस है, अब यहाँ पे 1 के साथ क्या कर रहा है, ये अट्रैक्शन, तो 1 क्या होना चाहिए, माइनस। तो हमने सभी की प्रॉपर्टी अपने देख ली। अब इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन, चार्ज 1 अट्रैक्ट 4, देखिए 1 एंड 4 अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं, दोनों सिमिलर चार्ज है, रिपल्शन होगा, तो पहला गलत हो गया, फर्स्ट गलत है। सेकंड कह रहा है 2 अट्रैक्ट 3, तो 2 अट्रैक्ट 3 नहीं है, 2 तो आर के साथ रिपेल कर रहा है, ये भी गलत है। 1 रिपेल 3, 1 और 3 को देखें तो 1 और 3 में तो चार्ज के साथ अनलाइक है, ये तो अट्रैक्ट करेंगे, तो ये भी गलत है। फिर कह रहा है 1 रिपेल 4, तो 1 और 4 को देखिए बिल्कुल लाइक चार्ज है, तो इसलिए दोनों में क्या होगा, रिपल्शन, तो ये आ जाएगा फोर्थ, ठीक है, चार्ज 1 रिपेल चार्ज 2, ठीक है, आई बात समझ, क्योंकि यहां बच्चों इसके अंदर चार्ज बोला गया, इससे अपन यहां पे अट्रैक्शन वाले केस में न्यूट्रल कंडीशन लेके नहीं चल रहे, क्योंकि सबको चार्ज बोला गया इसने, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन 162। 162 में 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, चार्ज 8 माइक्रोकुलम एंड -4 माइक्रोकुलम गिवन है आपको, ठीक है। अब कह रहा कि इनको हम कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं, तो जो कांटेक्ट में लेके आओगे तो कांटेक्ट में आने पे एवरी बॉडी पे चार्ज क्या होगा, दोनों का एवरेज चार्ज हो जाएगा, दोनों को मतलब दोनों को सम करके डिवाइड बाय 2 करिए, दोनों को सम करके डिवाइड बाय 2 करिए, मतलब ईच, यूं होता है क्यू ईच इज इक्वल टू, ठीक है, क्यू ईच इज इक्वल टू क्यू 1 प्लस क्यू 2 बाय 2, ठीक है, ये होता है आफ्टर टच, ठीक है, तो आफ्टर टच करते ना, टच करने के बाद, तो टच करने के बाद यह आता है क्यू 1 प्लस क्यू 2 बाय 2, तो इन दोनों का सम करें कितना आएगा, 8 एंड -4 को सम करिए कितना आएगा 4, फिर डिवाइड बाय 2 करिए कितना आएगा 2, तो 2 माइक्रोकुलम, तो एवरी चार्ज क्या हो गया 2 माइक्रोकुलम आ गया क्यू ईच। अब कह रहा है कि यहाँ पे कंपेयर फोर्सेस इन टू केसेस, तो हम जानते हैं बेटा एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, क्यू 1 इंटू क्यू 2, ठीक है, तो एफ 1 अपॉन एफ 2 करेंगे, रेशो निकालेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई करिए, तो इनका मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 8 4 जा 32, ठीक है, मतलब -32, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 2 है, दूसरा वाला भी 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 प्लस 4, तो ये रेशो कितना आएगा, -8 अपॉन 1।
चलो यहाँ पे माइनस तो कहीं लगा हुआ नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड कंपेयर किया जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड कंपेयर कर लेंगे क्या जाएगा यहाँ पे 8/1, ओनली मैग्नीट्यूड्स के अकॉर्डिंग देख लें क्योंकि माइनस कोई ऑप्शन में ही नहीं, तो मतलब मैग्नीट्यूड कंपेयर किया जा रहा है, तो आंसर 8/1 हो जाएगा। ओके चलो अब आते हैं इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 163 कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ बॉडी इफ 10^5 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन एडेड टू इट। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन्स अपन ने ऐड कर दिए तो बॉडी पे चार्ज आपको फाइंड करना है, तो किसी बॉडी पे आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हो, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को आप एक्सेस में कर रहे हो, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉडी पे इंक्रीज करेंगे तो बॉडी पे चार्ज कैसे डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो क्यू इक्वल टू क्या आएगा माइनस ऑफ एन ई। अब एन कितना देखा यहाँ पे 10^5 इलेक्ट्रॉन्स है एंड चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10^-19, तो क्या जाएगा ये माइनस ऑफ 1.6 × 10^-14 कूलाम, तो कौन सा आंसर आ गया ये फर्स्ट, ठीक है फर्स्ट इसका रिजल्ट आ जाएगा। चलो अब आते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 164 आपसे कह रहा है कि टू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, एवरी ऑब्जेक्ट पे चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है, दोनों के बीच में फोर्स एफ है, अब आपने किसी एक चार्ज को रिप्लेस करके 4q कर दिया है, ठीक है, और आपसे कह रहा है उन दोनों की डिस्टेंस को हमने इंक्रीज करके 3 times कर दिया है, तो यहाँ पे फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एफ, ठीक है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें देखिए एक चार्ज को तो अपन चेंज कर नहीं रहे, एक तो q एज इट इज उतना ही है, लेकिन दूसरा चार्ज अपने कितना कर दिया 4 times, कितना कर दिया 4 times, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी कर दी है 3 times, तो 3 का स्क्वायर, तो मान कितना बन जाएगा 4/9 times, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो रहा है 4, नीचे आ रहा है 9, 4/9 times, तो कौन सा ऑप्शन है 4/9 times, फोर्थ, ठीक है, ये हो जाएगा रिजल्ट। चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सपीरियंस एंड नेट फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन। तो चलो देखो एक इलेक्ट्रिक डायपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रख रहे हैं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पर नेट फोर्स क्या होता है 0, ठीक है, क्योंकि जितना फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे लगता है उतना नेगेटिव चार्ज पे लगता है, ठीक है, एंड अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेट फोर्स 0 होता है। बट अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो पॉजिटिव पार्टिकल एंड नेगेटिव पार्टिकल पे जो फोर्स एक्ट होगा दोनों फोर्सेज की हो सकता है डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकता है मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो, तो उस केस में नेट फोर्स 0 नहीं आएगा, तो नेट फोर्स 0 किस कंडीशन में एक्ट हो सकता है ओनली नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कंडीशन में ही। ओके तो आगे देखें 166 चार्ज प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन एन सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर सबस्टेंड एंगल π/2 एट इट्स सेंटर। देखो आपसे कह रहा है इस तरह से ये एक चार्ज है, ठीक है, रिंग है, इस पे मतलब एक रिंग का पार्ट है जो कि सेंटर पे π/2 एंगल सबस्टेंड कर रहा है इस जगह इस तरह से, ठीक है, ये एंगल कितना है π/2 90° एंगल है π/2, ठीक है, ये डिस्टेंस आर है, तो आपसे कह रहा है यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा ये हमें देखना है, तो ये चार्ज क्यू, ठीक है, ये चार्ज क्यू, तो चलो रिंग का देखो कोई सा भी एलिमेंट देखें एवरी एलिमेंट यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट अपन देखें इसकी वजह से जितना पोटेंशियल होगा उतना यहाँ पे कोई अनादर एलिमेंट है उसकी वजह से भी इतना ही पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कोई अनादर एलिमेंट है उसकी वजह से भी इतना ही पोटेंशियल होगा, क्योंकि सब जगह से डिस्टेंस कितनी कितनी आएगी आर, ठीक है, तो यहाँ से देखिए डीवी अगर अपन एक एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल क्या आएगा डीवी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर, ठीक है, ये आएगा। और अगर नेट आपको निकालना है नेट वी निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या जाएगा के अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, तो क्या जाएगा के क्यू अपॉन आर, तो के क्यू अपॉन आर ये बन जाएगा इसका रिजल्ट नेट पोटेंशियल, तो क्या आ गया रिजल्ट ये के क्यू अपॉन आर। ओके चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 167 आपसे कह रहा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए चार्ज मूविंग अराउंड ए क्लोज सर्किल और इलेप्टिकल पाथ विल बी 0। तो बच्चों यहाँ पे देखो जब भी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है बच्चों कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ठीक है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है ठीक है, तो कंजर्वेटिव नेचर होने की वजह से एक राउंड में एक कंप्लीट पाथ के राउंड जो नेट वर्क डन है वो क्या होता है 0 होता है, क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या आएंगे सेम, घूम के जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पहुंच गए, ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम है, तो वर्क डन इन ए क्लोज लूप इज 0, ठीक है, 0 आपको ऑप्शन होगा चाहे पाथ सर्कुलर हो चाहे इलेप्टिकल हो 0 ही आएगा रिजल्ट,
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का है, ठीक है। तो यहाँ पे आर के अंदर भी वही लिखा है कि कंजर्वेटिव नेचर, तो इसलिए क्या जाएगा आंसर, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन। ओके, चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 आपसे कह रहा है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इनिशियली एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स मूविंग अलोंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सही बात है, ठीक है। यहाँ पे जब भी हम कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे यहाँ पे ई वेक्टर इस तरह से ई वेक्टर है, ठीक है, ई वेक्टर। अब यहाँ पे इसके अंदर देखो, यहाँ पे इसमें कोई चार्ज पार्टिकल को आपने रिलीज किया, प्लस क्यू पार्टिकल को, तो पार्टिकल पे फोर्स का लगेगा इस डायरेक्शन में, फोर्स एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा। इससे चार्ज पार्टिकल किधर मोशन स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मोशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे ये जो लाइन है, जिस लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, वही किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को। क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डिपार्टमेंट डिफाइन ऐसे करते हैं, ये एक वर्चुअल लाइन्स होती हैं जिस पर इलेक्ट्रिक पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल है उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट हो रहा होता है जिस डायरेक्शन में, ठीक है, उन्हीं लाइन्स को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो यहाँ भी एसर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं, ठीक है, और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। चलो आगे आते हैं इस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एस आई यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज, ठीक है। तो बच्चों ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 πε0, ठीक है, q² / r², तो यहाँ से एप्सिलॉन को इधर ले आओ, ठीक है, एप्सिलॉन को इधर ले आएंगे, ε0 को, तो 1/4 πf, ठीक है, q² / r², तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट इज इक्वल टू ऊपर तो क्या है, कूलाम स्क्वायर, 4π तो कॉन्स्टेंट है, f इज न्यूटन एंड r इज मीटर स्क्वायर, तो कूलाम स्क्वायर प्लस कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कौन सा आंसर आ गया, ये फोर्थ आ जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 170 पढ़िए, 170 क्या है, ए कॉन ऑफ बेस रेडियस r एंड हाइट h इज लोकेटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, e वेक्टर इज पैरेलल टू इट्स बेस, इसके बेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स एंटरिंग इन द कॉन इज। तो देखिए बच्चों इसके अंदर क्या बताया गया आपको, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझे आपसे, इस तरह से ये एक कॉनिकल बॉडी है, ठीक है, ये कॉनिकल शेप है, इसके बेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस बेस के पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इस तरह से इस डायरेक्शन में पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है बेस के पैरेलल। आपसे कह रहा है इसमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर कर रहा है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो एंटर कर रहा है, यहाँ से आप देखिए गौर से, यहाँ से इस तरह से अपन देखें, ये जिसकी सर्क्यूमफेरेंस पे, यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरह से, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, इसको क्रॉस करते हुए जा रहा है चार्ज। तो यहाँ पे इसका जो बेस है, ठीक है, इसका बेस कितना बच्चों, यहाँ पे ये जो बेस आपको दिख रहा है, बेस की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, बेस यहाँ पे ये 2r, इसका टोटल बेस कितना है 2r है, ठीक है, एंड इसकी जो हाइट है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट आपको दिख रही है, हाइट ऑफ दिस कॉन ये कितनी है h, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखें फ्लक्स, फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फाई इज इक्वल टू ई इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आएगा, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, आपको ये ट्राइंगल, इस तरह से आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल का क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब एरिया लेना आपको, ये बेस तो 2r है एंड हाइट h है, ठीक है, ये पूरा एरिया आपको लेना है एरिया, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 2r, ठीक है, हाइट कितनी है h, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ई आर एच, तो ई आर एच, तो कौन सा आंसर आ गया, ये फोर्थ, ई आर एच, ये इसका आंसर आएगा फोर्थ, ठीक है। चलो आते हैं इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 PPC दे रखे हैं, 2 parallel plate capacitor TC एंड 2 CR कनेक्टेड इन पैरेलल एंड आर चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V, नाउ बैटरी इज डिसकनेक्टेड, मतलब बैटरी यहाँ पे डिसकनेक्ट कर दी गई है। तो बच्चों जब बैटरी हटा दिए जाते हैं तो उस पर अपन देखते हैं क्या चीज कॉन्स्टेंट रहता है, चार्ज। तो जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी जाती है तो चार्ज कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। अब कह रहा है कि मीडियम ऑफ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर सी, सी में आपने मीडियम इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स बिकम्स, ये आपको निकालना है। देखिए क्या कह रहा है बच्चों, 2 parallel plate capacitor C and 2C दोनों पे वोल्टेज कितना है, वी वी है, तो इस तरह की आपसे इन्फॉर्मेशन कह रहा है। फिर आपने यहाँ पे बैटरी हटाकर इसके अंदर मीडियम फिल कर दिया है के, किसमें सी। देखिए इनिशियल में एक था सी, इस पे पोटेंशियल था वी, ठीक है, दूसरा था 2C, इस पे पोटेंशियल कितना था, इस पे भी वी था। आपसे कह रहा है कि इसमें आपने
बैटरी को डिसकनेक्ट करके इसमें आप फिल कर रहे हैं मीडियम के। तो मीडियम के फिल करने पर, मीडियम के आपने इसके अंदर फिल कर दिया है, तो फिल कर देने पर इसमें कैपेसिटेंस तो क्या हो जाएगी, के टाइम्स ऑफ सी, एंड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी अपॉन के हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा चार्ज कॉन्स्टेंट है, ठीक है, बिकॉज ऑफ चार्ज कॉन्स्टेंट, क्यू इज इक्वल टू अनचेंज, चार्ज कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि बैटरी हटी गई है, चार्ज कॉन्स्टेंट है, तो V इज प्रोपोर्शन टू क्या होता है, 1 अपॉन C होता है, तो C K गुना हो गया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल 1 अपॉन K टाइम्स हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि इसको अपन इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो कॉमन पोटेंशियल निकालना है, तो अब इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इसको इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कनेक्ट, तो हमें निकालना है कॉमन पोटेंशियल, तो V कॉमन, कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये C1 और ये V1, तो यहाँ पे C1 V1 करेंगे, तो KC into V upon K, ठीक है, प्लस C2 V2 करिए 2C into V अपॉन C1 प्लस C2, ये रहा C, ये रहा 2, KC प्लस 2C, ठीक है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 कर दिया अपन ने। तो देखिए यहां से के से तो के कट गया, ऊपर क्या है CV और ये ऊपर 2CV, कितना हो गया 3CV, तो ऊपर हो गया, और नीचे इसमें से C कॉमन निकाल लो, तो K प्लस 2, ठीक है, C, तो C तो यहां कट जाएगा, तो कितना है 3V अपॉन K प्लस 2, ठीक है, तो 3V अपॉन K प्लस 2 कौन सा आंसर आ रहा है, थर्ड, 3V अपॉन K प्लस 2 ये रिजल्ट आ जाएगा इसका। ओके चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 172 क्या कह रहा है, 172 देखिए आपसे कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके बीच की डिस्टेंस डी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कह रहा है चार्ज विद हेल्प, बैट्स को अपन ने चार्ज कर लिया है एक बैटरी की हेल्प से, और उसमें पोटेंशियल कितनी स्टोर हो गई है, यू नॉट, ठीक है, अब प्लेट ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के एंड थिकनेस डी, उसको आपने इन दोनों प्लेट्स, इसके प्लेट्स के बीच में इंसर्ट किया जा रहा है, ठीक है, जबकि बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड होती है तो अपन जानते हैं वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है, तो न्यू एनर्जी ऑफ कैपेसिटर विल बी, ये आपको बताना है क्या होगा, न्यू एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ये आपको कैलकुलेट करनी है। दोबारा देखें, प्लेटों के बीच डी डिस्टेंस समांतर सहायता से इस प्रकार आवेश करते हैं कि संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का मान यू नॉट है। अब इसमें माध्यम के वाला अपन डी मोटाई की पट्टी का बीच में रख दी गई है, जितना मतलब पूरी तरह भर दिया इसको, जितनी इसकी प्लेट के बीच में गैप डी था उतनी मोटाई की पूरी आपने आप मीडियम फिल कर दिया है, ठीक है, और बैटरी अभी भी जुड़ी हुई है, तो बच्चों बैटरी जुड़ी हुई है इसका मतलब क्या कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट क्या बच्चों यहाँ पे इसके अंदर वोल्टेज, ठीक है, तो न्यू एनर्जी आपको फाइंड करनी है इसकी, न्यू एनर्जी क्या होगी, तो यहां पे देखिए वोल्टेज इज इक्वल टू कांस्टेंट है, एंड सी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ सी हो जाएगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि आपने यहां पे मीडियम फिल कर दिया, तो सी डैश के टाइम्स ऑफ सी। अब यू के लिए आप क्या लगाएंगे, हाफ सी वी स्क्वायर लगाएंगे, फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, तो इसके अंदर आप देखिए ये तो कॉन्स्टेंट है, तो U is proportional to क्या हो गया C, U is proportional to C आया, ठीक है, तो इसलिए C यहाँ पे K times हो गया था, U भी K times हो जाएगा, तो U dash is equal to K into U naught ये आ जाएगा इसका आंसर, तो कौन सा आंसर आया इसका, फर्स्ट K into U naught, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 173 आपसे कह रहा है नंबर ऑफ कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 microfarad, एंड यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इसकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल सस्टेन है वो कितना है, 500 वोल्ट, इतना मैक्सिमम पोटेंशियल सस्टेन कर सकता है वो, ठीक है, मतलब पंचर हो जाता है इससे आप वोल्टेज लगा दें तो मैक्सिमम इतना सस्टेन कर सकता है। हमें एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना है जिसकी नेट कैपेसिटेंस क्या जाए 2 microfarad और जो कितना वोल्टेज सहन कर जाए 3000 वोल्ट जितना सहन कर जाए ये बताना है, ठीक है। बेटा जब भी इस तरह से अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी हो तो उसका एक डायरेक्ट ट्रिक होती है कि नंबर ऑफ कैपेसिटर कितनी ऊंची होंगे, देखिए n इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, आपको हर स्टैंडर्ड बुक मिल जाएगा फॉर्मूला, ये तो वो क्या होता है, n इज इक्वल टू ये सी नेट अपॉन सी इंटू वी नेट अपॉन वी होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला डायरेक्ट। तो यहां पे देखिए सी नेट अपॉन सी, सी नेट कितना करना है 2 microfarad, इनिशियल सी कितना था 1, तो ये 2/1 हो जाएगा, ठीक है, वी नेट कितना बनाना है 3000 एंड V कितना दे रखा है इनिशियल 500, ठीक है, स्क्वायर, तो यहाँ पे ये तो हो गया 2 और ये कितना हो गया 5, ये 6 टाइम्स घट जाएगा 6, ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, 36, तो 36 इंटू 2 क्या हो जाएगा 72,
तो यहाँ पे आ जाएगा 72 कंपोनेंट्स कैपेसिटर, ये आ जाएंगे रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्ट ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब देखें आगे नेक्स्ट 174। ठीक है, 174 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है टोटल स्टोर्ड एनर्जी आपको फाइंड करनी है सिस्टम में। तो टोटल एनर्जी कैसे निकाले बच्चों, टोटल वोल्टेज तो दे रखा है, इसका टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं अपन। तो पहले टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे, 6 और 3 बना रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, तो क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफेरड। फिर 2 इस नीचे वाले 2 के साथ क्या बनाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सी नेट इज इक्वल टू क्या होगा, 2+2, मतलब सी नेट इज इक्वल टू जाएगा 2+2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेरड, 4 माइक्रोफेरड, क्योंकि पहले ये इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है 2 माइक्रोफेरड। ठीक है, और ये 2 माइक्रोफेरड इस नीचे वाले 2 के साथ पैरेलल में था, तो नेट कैपेसिटेंस आ गया 4 माइक्रोफेरड। अब यहाँ पे इसमें ये वी नेट है ही सही 2 वोल्ट, तो यहाँ पे हमें निकालना है नेट एनर्जी निकालनी है, तो यू नेट इज इक्वल टू हाफ सी नेट इन टू वी नेट स्क्वायर, मतलब हाफ सी वी स्क्वायर लगा रहे हैं फॉर्मूला। तो हाफ सी यहाँ पे कितना है 2 माइक्रोफेरड, मतलब 2 × 10⁻⁶। वी नेट कितना है 2 इसका स्क्वायर, तो ये 2 से तो 2 कट गया, कितना हो गया 4 × 10⁻⁶। तो 4 × 10⁻⁶ जूल, ये इसका रिजल्ट आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 175 पर। 175 पर आपसे कह रहा है कि एक कैपेसिटर है, इसमें ये D/2 में हमने मीडियम K1 फिल कर रखा है, D/2 में K2 मीडियम फिल कर रखा है। ठीक है, तो हमें इसकी नेट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो चलो यूं मान लें कि ये कैपेसिटर है, इसमें 2 स्लैब रखी है, एक T1 थिकनेस की और एक T2 थिकनेस की, ये 2 स्लैब्स इसमें इंसर्टेड है। तो उसकी कैपेसिटेंस, तो बच्चों उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इससे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर अंदर कोई मीडियम इस तरह भरे हुए टोटली टाइटली पैक है, अंदर का जो गैप है पूरे मीडियम से टाइटली पैक्ड है, तो उस केस में T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, अगर एक मीडियम और होता मान लो तो T3 अपॉन K3 ये कर देते। अब यहां पे इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो T1 कितना है, ये थिकनेस D/2, ये थिकनेस आपको ये T1 दे रखी है, ये T1 थिकनेस है, ये T2 थिकनेस है। तो T1 को रख देंगे D/2 अपॉन K1 कितना है 1। ठीक है, T2 ये भी D/2 है अपॉन कितना है K2, ये 2 है। ठीक है, तो नीचे 1/2 + 1/4 हो जाएगा 3/4, तो नीचे आ गया 3/4, 4 चला गया ऊपर, तो 4/3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो कौन सा आंसर आ गया, ये फर्स्ट आ गया 4/3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर, कि आप देखो नीचे 1 + 1/2 + 1/4 मतलब 3/4 बनेगा, 4 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे 176 पे। तो 176 में आपसे कह रहा है कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी सी है, चार्ज क्यू है, इसमें एनर्जी कितनी है डब्ल्यू। अब इसको चार्ज को इंक्रीज करके 2Q कर दिया, मतलब चार्ज को हमने डबल कर दिया है, तो एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जो क्या होता है एनर्जी का फॉर्मूला, U इज इक्वल टू होता है हाफ सी वी स्क्वायर, कहते हैं Q स्क्वायर अपॉन टू सी। तो सी तो कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या रहा है प्रोपोर्शन टू क्यू स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे चार्ज को डबल कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ से U′ इज इक्वल टू क्या जाएगा 2² × U, मतलब 4U, तो कौन सा थर्ड हो जाएगा 4 × W, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी को W से शो किया हुआ इसने। ठीक है, फिर चार्ज को इसने डबल कर दिया, इसलिए यहाँ पे 4 times हो गया रिजल्ट। चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 177। देखिए 177 में यहाँ पे बिल्कुल अभी जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, प्रीवियस वाला क्वेश्चन जिसमें नीचे अपन लिखा था T1 अपॉन K1 + T2 अपॉन K2 लिखा था नीचे डिवाइड में, तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे। बिटवीन द प्लेट्स ऑफ PPC ए प्लेट्स ऑफ थिकनेस T1 एंड डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 एंड रिमेनिंग रेस्ट स्पेस में अपन ने T2 K2 फिल किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, सी नेट को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर, मतलब क्या होता है देखो, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू होता है Q अपॉन सी। बस यहाँ पे क्या करना है, सी को अपन बताया था अभी आपको फॉर्मूला क्या था, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। अभी थोड़ी देर पहले अपन लिखा था फॉर्मूला, वही लिखना है यहाँ पे, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो क्या आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है,
T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है आपको? फर्स्ट वाला, देखिए फर्स्ट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 178 पर। 178 में आपसे कह रहा है कि आपने की को पहले यहां 1 से कनेक्ट कर रखा है, 2 से कनेक्ट नहीं किया हुआ, 1 से कनेक्ट किया हुआ है। इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो रखी है कैपेसिटर में, क्योंकि V से केवल कौन कनेक्टेड? 2 माइक्रोफेरेड, 8 माइक्रोफेरेड तो भी अनचार्ज है, इस पे कोई पोटेंशियल नहीं है। अब आपसे कह रहा है कि आपने की को यहां से इससे कनेक्ट कर दिया, मतलब वोल्टेज हटा के इससे हम कनेक्ट कर रहे हैं 8 माइक्रोफेरेड से, तो कितना प्रतिशत एनर्जी यहां पे लॉस होगी ये आपको बतानी है। तो अच्छा देखो, परसेंटेज लॉस से पहले अपन इनिशियल निकालें, कैसे निकालना है? यू इनिशियल कितना आएगा यहाँ पे? यू इनिशियल में केवल यहाँ पे ये वी से 2 माइक्रोफेरेड कनेक्टेड है, तो हाफ सी वी स्क्वायर कर दो, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, मतलब कितना हो गया ये वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ रेशो निकालना, इसलिए मैं 2 × 10⁻⁶ लिख रहा हूँ, क्योंकि रेशो निकालें कट जाएगा वो, ठीक है। चलो यू इनिशियल इज इक्वल टू कितना आ गया? वी स्क्वायर। अब देखें डेल्टा यू लॉस कैसे निकालते हैं बेटा? लॉस का जब भी अपन 2 कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं आपस में, प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो यहां पे जो एनर्जी लॉस होता है कितना होता है? हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये अप्लाई कर रहे हैं हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये इन दोनों का 2 × 8 अपॉन 2 + 8, ठीक है, इंटू V1 माइनस V2, तो V1 कितना है, इस पे कितना पोटेंशियल है? V, और इस पे कितना है? 0। जिन दो कैपेसिटर आप कनेक्ट कर रहे हैं, पहले वाले पे तो वोल्टेज V आ चुका था क्योंकि आपने इसको पहले 1 से कनेक्ट किया था, तो ये तो पूरा चार्ज हो गया था V वोल्ट तक, लेकिन 8 माइक्रोफेरेड वाला तो न्यूट्रल था, इस पे कोई चार्ज नहीं था, तो एक पे तो वोल्टेज V है, दूसरे वाले पे कितना है? 0, ठीक है। तो यहां से कितना आगे देखिए, 2 से 2 कट जाएगा, ओके, तो कितना हो गया 8/10, 8/10 वी स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है? परसेंटेज लॉस निकालना है, परसेंटेज लॉस, ठीक है, परसेंटेज लॉस निकालना है। तो लॉस कैसे निकालते हैं? परसेंटेज लॉस, लॉस अपॉन यू इनिशियल इनटू 100 करके ऐसे निकालते हैं। तो यहां से डेल्टा यू यरा डिवाइड बाय वी यूआई करो, तो वी स्क्वायर कट जाएगा, तो 8/10 तो ये आ गया, 8/10 × 100, 8/10 × 100 का मतलब कितना हो गया बच्चों, बोलिए सब मिलकर, 80%। क्या आ जाएगा? 80%, तो 80% लॉस हो जाएगा इसके अंदर, यह आ जाएगा फोर्थ इसका आंसर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 179 में आपसे कह रहा है कि यहां पे इसमें चार्ज की अमाउंट कितनी है? 18 माइक्रोकुलम, तो इस पे हमें चार्ज बताना है 3 माइक्रोफेरेड पे क्या होगा। तो चलो देखो, यहां से चार्ज 18 माइक्रोकुलम है, वही आगे यहां पे डिवाइड होगा, इसमें गया Q1, इसमें गया Q2, ठीक है। तो चलो आप जानते हैं चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सी के रेशो में होता है, अपन जानते हैं क्यू इज इक्वल टू सी वी, मतलब क्यू इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? सी, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू सी होता है। तो Q1 अगर अपन निकालेंगे तो क्यू टोटल C1 अपॉन C1 प्लस C2 करना होता है आपको, तो टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे? 80 माइक्रोकुलम, ठीक है, C1 मतलब इस पे निकालना है, तो 3 अपॉन C1 प्लस C2 मतलब 3 + 2, ठीक है, तो ये कितना हो गया 5, और ये 80, तो 16 टाइम्स कट जाएगा, 16 × 3 कितना जाएगा? 48, तो क्या जाएगा ये 48 माइक्रोकुलम, ठीक है। चलो 180 देखे उसके बाद, फिर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस तरह से ये, ठीक है, आपने यहाँ पे मीडियम फिल कर रखे हैं K1 K2 K3, आपको बतानी है इसकी नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बताना है K क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इस सिस्टम को अपन यूं खड़ा करके देखें इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में, ये दिख रहा है इसको, ऐसे वर्टिकल फॉर्म में लेके आओ, तो यहां से हम देखेंगे K2 के नीचे आएगा K1, तो K2 के नीचे K1 क्या बना रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बाद आएगा फिर K3, उसके आगे आएगा K3, मतलब क्या बनाएगा वो? सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब ये सिस्टम कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, ये सिस्टम बनेगा इस तरह से, ये K2, ये K1, ये K3, ठीक है, K2, K3, इनमें डिस्टेंस K1, K2 में d/2 डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस d/2 है, ये भी डिस्टेंस d/2 है, K3 वाले की डिस्टेंस भी d/2 है, d/2 ये शेष कितनी बची? d/2, ये भी d/2 है। लेकिन बात करें एरिया की, तो एरिया बच्चों देखो, K1 K2 का तो एरिया a/2 a/2 है, तो इनका तो एरिया कितना है? a/2, इसका भी एरिया कितना है? a/2, लेकिन K3 वाले का एरिया पूरा की पूरा a काम में आ रहा है, इसमें पूरा की पूरा एरिया
ए यूज में हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे नेट कैपेसिटेंस निकालें पहले, तो नेट कैपेसिटेंस क्या बनेगी, देखिए ये दोनों क्या बना रहे हैं आपस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू, फिर वो इस थर्ड वाले के साथ बना रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन, तो यहां पे वन अपॉन सी नेट इज इक्वल टू, तो देखिए बेटा वन अपॉन सी नेट इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन सी नेट इज इक्वल टू वन अपॉन में सी वन प्लस सी टू फिर वन अपॉन में सी थ्री, क्योंकि अभी आपने निकाला है सी वन प्लस सी टू इस सी थ्री के साथ सीरीज में कनेक्टेड थे, क्योंकि सी वन प्लस सी टू आया वो इस सी थ्री के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो आ गया सी नेट की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है, सी नेट जैसा अपन जानते ना सी इज इक्वल टू क्या होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो उसको रख दो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यहां से के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी रख दिया अपन ने सी नेट को। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सी वन सी टू एंड सी थ्री रख देंगे, तो सी वन को आप पुट करेंगे सी वन की वैल्यू, सी वन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, देखिए सी वन में ये डी बाई टू ए बाई टू है ये रखेंगे अपन, तो देखो और मीडियम क्या है के, तो के वन एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू अपॉन डी बाई टू, तो बाई टू से बाई टू कट जाएगा तो केवल क्या आ जाएगा ए अपॉन डी, ओके ए बाई टू और नीचे डी बाई टू कट गया, प्लस फिर सी टू को रखेंगे, सी टू को भी ऐसे रखें के टू, ठीक है एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू अपॉन डी बाई टू, तो नीचे बाई टू से बाई टू कट जाएगा तो नीचे भी क्या बचा डी, तो ये तो किसकी बात आ गई, ये तो अपन लिख दी सी वन सी टू की, और साथ में फिर बच्चों यहाँ पे सी थ्री की वैल्यू पुट कर दें वन अपॉन सी थ्री में, ये सी थ्री में देखिए एरिया ए है लेकिन डिस्टेंस डी बाई टू है, तो यहाँ पे आप रखेंगे सी थ्री की वैल्यू, सी थ्री वैल्यू पुट करेंगे के थ्री एप्सिलॉन नॉट एरिया तो पूरा की पूरा ए है ओके, लेकिन अपॉन में डी बाई टू रखेंगे डी बाई टू, इस तरह से डी बाई टू ये रख दिया डी बाई टू, तो यहां से आप देखिए इस सब में एल एच एस आर एच एस में डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा यहाँ पे वन अपॉन के इज इक्वल टू, ये आ जाएगा इसका आंसर वन अपॉन के इज इक्वल टू वन अपॉन के वन, सॉरी ये नहीं, ये आ जाएगा वन अपॉन के वन प्लस के टू प्लस वन अपॉन टू के थ्री, ये बनेगा रिजल्ट, यहां से आप सब जगह कॉमन ले कैंसिल कर दें किसको डी एप्सल नॉट ए, इनको कॉमन ले कैंसिल कर दें तो आंसर आएगा सेकंड वन अपॉन के इज इक्वल टू वन अपॉन के वन प्लस के टू प्लस वन अपॉन टू के थ्री, कि बच्चों देखो ये टू यहां पे आके के थ्री से मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है तो आगे रिजल्ट आई समझ में, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 181 आपसे कह रहा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस आपको 100 ओम दे रखा है, ठीक है और इसको हमें एक ऐसे मीटर में चेंज करना है, ठीक है ये किस से रेजिस्टेंस है 0.1 ओम रेजिस्टेंस की हेल्प से इसको आप एक ऐसा मीटर में चेंज करना है जो यहाँ पे टोटल करंट 100 माइक्रो एम्पियर द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज 100 माइक्रो एम्पियर, मतलब गैल्वेनोमीटर कितनी करंट सहन कर सकता है 100 माइक्रो एम्पियर, दोबारा सुनिए क्वेश्चन कह रहा है, देखो यूं कह रहा है आपसे गैल्वेनोमीटर कह रहा है गैल्वेनोमीटर है, ठीक है ये मैक्सिमम कितनी करंट सहन कर सकता है 100 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर का मतलब कितना हो गया 0.1 मिली एम्पियर, इतनी करंट सहन कर सकता है मैक्सिमम 0.1 मिली एम्पियर, 0.1 मिली एम्पियर करंट ये सहन कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है इसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा कितना 100 ओम, ठीक है अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें अमीटर में, तो अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस एस अप्लाई करके जिसकी वैल्यू आपको दे रखी कितनी यहां पे 0.1 ओम, 0.1 ओम इसका रेजिस्टेंस दे रखा ये, ठीक है अब बेटा इसमें यहां से आपसे कह रहा है कि अब इसमें सर्किट में टोटल मैक्सिमम करंट क्या होगी ये निकालनी है आपको, आई टोटल करंट आई आपको फाइंड करनी है ये क्या होगी, तो देखो यहां पे इस करंट को अपन बोल रहे हैं IS, अब देखिए S एंड जो G है दोनों क्या है आपस में पैरेलल में, S पैरेलल G है दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में आप जानते हैं क्या सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब आई वन आर वन इज इक्वल टू आई टू आई टू, ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर मतलब आई एस इंटू 0.1 इज इक्वल टू यह हो जाएगा कितना 0.1 मिली एम्पियर इंटू 100 ओम, तो 0.1 से 0.1 कट गया तो आई एस कितना है बेटा आई एस इज इक्वल टू 100 मिली एम्पियर, तो अब यहां से टोटल आई निकालेंगे तो टोटल आई इज इक्वल टू क्या जाएगा आई इज इक्वल टू इन दोनों के सम के इक्वल, ठीक है आई एस कितना है 100 मिली एम्पियर प्लस ये आई जी कितना आया था 0.1 मिली एम्पियर, तो कितना आ जाएगा 100.1 मिली एम्पियर, तो कौन सा आंसर आ गया ये फर्स्ट 100.1 मिली एम्पियर ये रिजल्ट आ जाएगा इसका, ओके
चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन 182। तो 182 बच्चों एक पोटेंशियोमीटर आपको दे रखा है, ठीक है। ये इसका प्राइमरी सर्किट दिखा रखा है और ये इसका सेकेंडरी सर्किट है। सेकेंडरी सर्किट में यहां पर बच्चों इस तरह से ये सेकेंडरी सर्किट है, यहां पे कोई करंट मान लो आई फ्लो हो रही है, इसमें आई इस तरह से ये आई यहां से आई होती हुई इसमें इधर गई, इसमें से आई करंट घूम रही है इस तरह से इस सेकेंडरी सर्किट में। ये बैलेंस लेंथ यहां से आता कि ये बैलेंस लेंथ एल होती है, यहां से आता ये बैलेंस लेंथ एल है। तो बच्चों बैलेंस लेंथ पहली बात तो किसके लिए मिलती है, तो देखो जी से लेकर अपन जब चलते हैं इस पी पॉइंट तक, जी से लेकर इस पी पॉइंट तक, तो रास्ते में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है मतलब सिग्मा वी, तो जी से लेकर ए तक चलने पर रास्ते में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है उसके करस्पॉन्डिंग हमें मिलती है बैलेंस लेंथ। तो देखिए पहले आपसे कह रहा है कि भी यहां पे हमने इस जगह गैल्वेनोमीटर को ए पॉइंट पे कनेक्ट किया हुआ है, तो ए से पी तक जाएंगे तो रास्ते में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस आई आर। तो इसके लिए बैलेंस लेंथ कितनी मिल रही है आपको, पी से लेकर जे तक की बैलेंस लेंथ मिल रही है 10 सेंटीमीटर। तो आई इंटू आर आपको कितनी मिल रही है 10 सेंटीमीटर, तो एक्स इंटू एल मतलब एक्स इंटू 10, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है एक्स इंटू एल के इक्वल, जहां पे एल क्या है बैलेंस लेंथ। तो जी से ए तक, जी से लेकर इस पी तक जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम करते हैं किसके इक्वल, एक्स इंटू एल के इक्वल। ऐसे ही अगली बार बच्चों आपसे कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर को अपने जब सी पे कनेक्ट कर दिया है, मतलब इस गैल्वेनोमीटर को यहां पे कनेक्ट कर दिया इस जगह, तो बैलेंस लेंथ कितनी हो गई 30 हो गई है। तो अब देखिए इस गैल्वेनोमीटर उठा के यहां लगा देंगे तो गैल्वेनोमीटर से लेकर पी तक जाए तो रास्ते में एक तो आई इंटू एक्स आएगा और एक आई इंटू आर, ये आएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब आई इंटू एक्स प्लस आई इंटू आर, ठीक है। तो बैलेंस लेंथ अब कितनी आ गई है 30। तो हमसे पूछ रहा है कि यहां पे किसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इनको हम डिवाइड कर दें, तो डिवाइड कर देंगे, ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन नंबर टू है, तो टू अपॉन वन कर दें, टू अपॉन वन करेंगे तो आई तो कट जाएगा कॉमन लेके, एक्स प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू थ्री अपॉन वन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 3r इज इक्वल टू एक्स प्लस आर, तो यहां से x इज इक्वल टू कितना हो गया 2r, तो x इज इक्वल टू 2r, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 183 पर। देखिए 183 में इस तरह कह रहा है कि दो सिलेंड्रिकल रॉड्स हैं आपस में से कनेक्टेड है, तो यहां से करंट एंटर करती हुई यहां से इधर जा रही है, दोनों में करंट सेम फ्लो ही, जितनी करंट यहां से एंटर करेगी उतनी यहां से निकलेगी। अब इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया बता रखा है बेटा, इसका एरिया तो ए है, इसका एरिया कितना है 2a, ठीक है, और इसमें डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है इसमें 2n है, इसमें n है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी रेशियो फाइंड करना है क्या होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट में रिलेशन क्या होता है आप जानते हैं, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। बेटा वी डी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया 1 अपॉन एन इंटू ए, ई तो खैर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है फिक्स है, तो एन इंटू ए, तो बेटा एन इंटू ए करेंगे तो एन इंटू ए करिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2n ए, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2n ए, तो क्या जाएगा रेशियो 1:1 आ जाएगा, ये 1:1, ठीक है। तो क्या जाएगा इसका आंसर सेकंड, ठीक है, क्योंकि n इसका 2, इसका n डबल है तो इसका a डबल है, तो n इंटू ए करने पे दोनों सेम बनेंगे, ठीक है। तो वी डी रेशियो क्या आएगा 1:1 ये बनेगा, क्लियर। चलो अब आते हैं आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 184। देखो क्या कह रहा है आपसे यहां पे, इसमें ये जो स्लाइडर है इसको अपन इधर शिफ्ट कर रहे हैं, इसको इस तरफ है, इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है, और यहां से आता का मान लो ये रेजिस्टेंस जो सर्किट में इंक्लूड हो रहा है रेजिस्टेंस, यहां से आता का ये आर है, तो जैसे इसको इधर से रखा जाओगे आर की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज, ठीक है। अब यहां पे सर्किट में करंट फ्लो हो रही है आई, इस तरह से सर्किट में करंट आई फ्लो होगी, इस तरह से आई करंट सर्किट में फ्लो होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है आपसे, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सिरों की बैटरी के सिरों के मध्य विभवांतर, तो आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू क्या होता है ई माइनस आई आर, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। अब जैसे बेटा आप इसको अपन शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो शिफ्ट करने से आर क्या होगा इंक्रीज, को अपन इधर शिफ्ट किया, तो देखिए इसको अगर हम इस तरह शिफ्ट कर रहे हैं स्लाइडर को, ठीक है, इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट करने पर यहां से आप समझ सकते हैं आर की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज, सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, होगा नहीं होगा, ये रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा आर, आर इंक्रीज होगा तो सर्किट में करंट डिक्रीज हो जाएगी, सर्किट में करंट डिक्रीज हो जाएगी। अब करंट अगर डिक्रीज हो गई तो ये वाली वैल्यू स्मॉल हो जाएगी, ये वैल्यू स्मॉल हो गई तो वी क्या हो जाएगा इंक्रीज, तो वी यहां पे इंक्रीज होगा क्योंकि करंट यहां पे डिक्रीज हो रही है, तो क्या आएगा आंसर इंक्रीज कंटिन्यूसली, ठीक है।
तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा। ओके तो देखिए अब आते हैं इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 185 में आपसे कह रहा है नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। तो बेटा बिटवीन ए एंड बी आप देखिए यहां पे ये 2 ओम ये 2 ओम क्या बना रहे हैं आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये देखो दोनों के वन एंड यहां पे कनेक्टेड है और ऊपर वाले एंड आपस में कनेक्टेड है तो ये दोनों आपस में बना रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। कितना हो जाएगा ये 1 ओम, ये जाएगा 1 ओम। ऐसे ही ये 2 ओम ये भी बना रहे हैं आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये भी कितना हो जाएगा बेटा 1 ओम। ठीक है अब ये 1 ओम आपस में बनाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना हो गया ये 2 ओम। फिर जो यहां का 2 ओम आया वो इधर के 2 ओम के साथ बनाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब इस तरह से ये 2 ओम तो ऐसे इधर और यहां पे इधर भी क्या है 2 ओम। ठीक है ये 2 ओम और ये 2 ओम। ठीक है तो ए एंड ये बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस बताओ कितना हो गया 1 ओम हो गया, नहीं हो गया 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या जाएगा 1 ओम। ठीक है चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 186 पर। तो 186 में आपसे कह रहा है देखिए इसके अंदर करंट दे रखी है आपको, ठीक है और यहां पे एरिया दे रखा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो सिंपल आप जानते हैं फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू क्या जाएगा I अपॉन एन ई ए, बस ये जाएगा I अपॉन एन ई ए। तो यहां से रख के निकाल लो सॉल्व करोगे 2.5 × 10⁻³ ये आ जाएगा रिजल्ट। ओके चलो आगे आते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन 187 में देखो क्या कह रहा है इन फिगर शोन थर्मल पावर इज मैक्सिमम। तो चो किसी भी रेजिस्टेंस पे जब थर्मल पावर मैक्सिमम करनी होती है तो हमें मैक्सिमम करनी है, तो जैसे यहाँ पे वाई पे आपको थर्मल पावर मैक्सिमम करनी है तो वाई की वैल्यू क्या होती है रिमेनिंग नेट रेजिस्टेंस के इक्वल, ये जो दो पॉइंट है इनके बीच में वाई है। ठीक है बेटा यहाँ पे इसको अगर मैं एक काम करूं इसको मैं आर ले लूं, आर ये रेजिस्टेंस आर है तो आर इस 2 ओम के साथ क्या बना रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां से आप देखिए ये जो रेजिस्टेंस वाई है ये वाई, ठीक है ये बैटरी ये रेजिस्टेंस, तो यहां से हम देखते हैं ये नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 प्लस आर ये नेट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है और ये वाई है तो यहां पे इन दोनों पॉइंट्स में वाई के अलावा कितना रेजिस्टेंस है 2 प्लस आर। तो वाई पर अगर आपको मैक्सिमम पावर चाहिए होती है तो y के वैल्यू किसके इक्वल करते हैं इस r के इक्वल, तो y इज इक्वल टू क्या करेंगे इस r के इक्वल करेंगे तो y इज इक्वल टू, ठीक है y कितना जगह 4 दे रखा है, y आपको यहाँ पे दे रखा है इसको 4 तो y के वैल्यू 4 रख दो, 4 इज इक्वल टू r कितना है 2 प्लस आर, तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितना हो गया 2। अब r इज इक्वल टू 2 आया तो हमसे x पूछ रहा है बेटा देखो नेट रेजिस्टेंस 2 6 एंड 3 का रिजल्टेंट अपन जानते हैं 2 होता है, इसका x कितना होना चाहिए 3। ठीक है तो दस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, अतः x इक्वल टू 3 ओम यह आ जाएगा रिजल्ट, क्योंकि 3 ओम एंड 6 ओम एंड 3 ओम का रिजल्टेंट ही क्या बनता है 2 ओम, तो हमें r यहाँ पे 2 ओम करना है तो x को कितना रखना पड़ेगा 3 ओम, तो यहाँ पे x आ गया 3 ओम, तो ये आ गया इसका आंसर सेकंड। ठीक है चलो आते हैं आगे इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 188 पर। 188 में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है एक सर्कल पाथ पे घूम रहा है, ठीक है और रेडियस दे रखी है और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपसे कह रहा है कि इसमें इफेक्टिव करंट आपको फाइंड करनी है। तो सिंपल I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा Q अपॉन T, तो यहाँ पे Q, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, टाइम पीरियड को T बोल रहे हैं, तो यहाँ से टाइम पीरियड का इनवर्स क्या होता है फ्रीक्वेंसी E इंटू F, तो E ये रहा E, ये E रख देंगे, ठीक है F ये रहा ये इसकी फ्रीक्वेंसी रख देंगे, ठीक है तो इनको मल्टीप्लाई कर लो ये आ जाएगा इसका आंसर 1.1 × 10⁻³ एम्पियर। ठीक है चलो आते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 189 पर। ठीक है 189 पे आपसे कह रहा है इन गिवन फिगर व्हेन के इज ओपन्ड द रीडिंग ऑफ अमीटर विल बी, ये हमें निकालनी है। तो देखो चो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व, यहाँ पे आपसे कह रहा है की ओपन है, ठीक है की ओपन है तो उसमें करंट जाएगी नहीं, ठीक है क्योंकि यहाँ पे ओपन पाथ हो गया तो करंट केवल यहां से इधर फ्लो होगी, इस तरह से केवल करंट यहाँ पे इस लूप में फ्लो होगी और ये अमीटर में से उतरी जाएगी, तो अमीटर रीडिंग क्या है आई, तो यहां से I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा E नेट अपॉन R नेट, मतलब नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस लूप। ठीक है तो इस लूप में वोल्टेज कितना है 10, रेजिस्टेंस केवल कितना है 5, ठीक है 10 वोल्ट एंड 5 ओम, तो कितना हो गया ये 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है यहां तो करंट जा ही नहीं रही, ठीक है इसमें करंट जा ही नहीं रही तो इसको तो देखना ही नहीं आपको, ठीक है तो केवल यहां पे 10 वोल्ट एंड 5 ओम की हेल्प से निकालेंगे आंसर अपन। चलो आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90।
क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको फाइंड करनी है। तो बेटा वोल्ट मीटर क्या रीड कर रहा है? इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को रीड कर रहा है V, इसको V1 बोल दिया मैंने। चलो V1 ये इसको शो कर रहा है, वोल्ट मीटर V1 को रीड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 80 ओम एंड 80 ओम का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये कितना हो गया बेटा, ये 80-80 दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, 40 ओम नेट रेजिस्टेंस है। तो ये वोल्ट मीटर क्या रीड कर रहा है? इस 40 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है, 40 ओम के सिरों पर विभवांतर को मेजर कर रहा है ये, ठीक है। तो यहां से देखिए टोटल वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट। इसका अगर अपन दो पार्ट में डिवाइड कर दें, इस पे V1 यहां पे V2, तो बेटा वोल्टेज का जो डिवाइडेशन होता है V1 कैसे निकालते हैं, टोटल वोल्टेज इनटू, क्यों V इज इक्वल टू क्या है, IR, मतलब R के रेशियो में होता है। तो R कितना है, 40 अपॉन 40 प्लस 20। तो टोटल वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट है, तो रख दिया 2 वोल्ट, और ये कितना होगा 40 अपॉन 60, मतलब ये हो गया 2/3, मतलब 4/3 करेंगे 1.33 आ जाएगा, 1.33 वोल्ट, ठीक है। चलो आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 191 में आपसे क्या कह रहा है, देखिए दो रेजिस्टेंस है R1 R2 जो कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए है, मटेरियल के लिए गए। एक का टेम्परेचर कोफिशियंट अल्फा है, दूसरे का माइनस बीटा है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमें R1 अपॉन R2 फाइंड करना है, क्या है तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों आप जानते हैं आर नेट की वैल्यू क्या होती है, R1 प्लस R2। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये वैल्यू R1 प्लस R2 के इक्वल होती है। अब यहाँ पे R1 एंड R2 को अपन पुट कर दें, ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो क्या होता है, R1 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है, और ये हो जाएगा R2 1 माइनस बीटा टी, ठीक है। टेम्परेचर के साथ ये अपन देख लिया वेरी कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, R1 की R नेट है, R1 नेट या R2 नेट दो की जो कि टेम्परेचर भी डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट होता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट होता है, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इस तरह से वेरी करता है ये, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इसमें देखिए R1 प्लस R2 तो आएगा, एक साथ लिख दिया मैंने, इस ब्रैकेट को पहले ओपन किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके R1 R2 को एक साथ लिख दिया प्लस, अब इसमें T कॉमन निकाल लो, तो T कॉमन निकाल लेंगे, ये आएगा R1 अल्फा माइनस R2 बीटा, ये आएगा R नेट की वैल्यू। अब बच्चों आपसे कह रहा है R नेट की वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं कर रही, T पे, तो इसकी इक्वेशन में हम देखें T तो आ रहा है लेकिन बोल रहा है कि T पे डिपेंड नहीं कर रही, इसका मतलब हमें T को यहां से हटाना पड़ेगा। T कब हटेगा, जब T का मल्टीप्लायर क्या हो, 0, क्योंकि आपसे कह रहा है कि R नेट की वैल्यू T पे डिपेंड नहीं कर रही, मींस R नेट की रिजल्ट जो आ रहा है, R नेट की इक्वेशन है, इसमें T वाली टर्म्स प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, तो T वाली टर्म्स प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, तो मतलब T का जो गुणनफल है, मल्टीप्लायर है, वो 0 करना पड़ेगा। तो उसका मल्टीप्लायर को 0 करें तो यहां से R1 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 बीटा, तो यहां से R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू कितना हो गया, बीटा अपॉन अल्फा, तो क्या आ गया आंसर, 4th, ये आ जाएगा इसका रिजल्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे T का मल्टीप्लायर क्या कर दिया अपन ने, 0 कर दिया, ठीक है। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 192 पर, ये तो सिंपल था मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि यहाँ पे R की वैल्यू फाइंड करनी है, बैलेंस कंडीशन में 20 लेंथ दे रखी है, तो ये लेंथ कितनी आएगी इधर की, 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर। फिर अपन जानते हैं मीटर ब्रिज बैठो व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड होता है ये, जिसमें इनका रेशो इस रेशो के इक्वल है, तो 40 अपॉन R इज इक्वल टू क्या होता है, 20 अपॉन 80, ठीक है। तो यहाँ से ये 4 टाइम्स कट गया, 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो R इज इक्वल टू कितना आ गया, 160 ओम, ठीक है, R आ जाएगा 160 ओम के इक्वल। चलो आगे आते हैं 193 पर, 193 इलेक्ट्रिक लैंप पे ऑफ 60 वॉट ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो चलो जब भी आपको टू बल्ब्स या लैंप्स जिनका आपको पावर गिवन है सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, सॉरी पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, तो नेट पावर क्या होती है, P1 प्लस P2, ठीक है, पैरेलल में P1 प्लस P2 होती है, जबकि सीरीज में होती है 1 अपॉन P नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, हमें यहां पे बात कर रहा है पैरेलल की, तो पैरेलल में होता है P1 प्लस P2, ईच पावर आपको दे रखी है 60, तो 60 प्लस 60 कर देंगे कितना जाएगा 120 वॉट, तो यहां पे क्या जाएगा आंसर, सेकंड हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो अब आए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 194 पे, आपसे कह रहा है टू स्टेटमेंट्स को हमें सोचना है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए कह रहा है किरचॉफ्स लॉ जंक्शन लॉ फॉलोज द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, गलत बात है, जंक्शन लॉ मतलब जो जंक्शन लॉ है बेटो
यहाँ पे करंट लो, किरचॉफ करंट लो या कहते हैं जंक्शन लो, एक ही बात है, ये तो किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, जबकि यहाँ क्या लिख दिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ए तो गलत है। ठीक है, बी कह रहा है किरचॉफ लूप लो, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लो इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये गलत है, ये तो एनर्जी पे बेस्ड होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये सही तब होता जब यहाँ पे लिखा होता चार्ज और यहाँ लिखा होता एनर्जी, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। अभी दोनों स्टेटमेंट ही गलत है तो क्या आएगा आंसर, बोथ एसर्शन मतलब बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। ठीक है, चलो आगे आते हैं इस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 195 कह रहा है कि चालक का ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक, क्यों बढ़ता है, क्यों बच्चों, इसका जो विश्रांति काल है रिलैक्सेशन टाइम ये डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि बच्चों अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कॉलिजन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, टक्कर आवृत्ति, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए जो रिलैक्सेशन टाइम है टॉ वो कम हो जाता है, मतलब जल्दी जल्दी टक्करें होती हैं, कॉलिजन्स जल्दी जल्दी होती है तो कॉलिजन्स के बीच का जो एवरेज टाइम है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि टक्कर जल्दी जल्दी हो रही है तो इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है बेटा आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/टॉ होता है, इसलिए रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। ओके, 196 आपसे रीडिंग ऑफ द अमीटर इन फिगर इज, रीडिंग ऑफ अमीटर, तो चो हमें यहाँ पे इस ब्रांच में करंट फाइंड करनी है, इस ब्रांच में यही इस अमीटर की रीडिंग होगी, तो इसके लिए हमें पहले रिमेनिंग आर नेट निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले ये 6 6 6, पहले इन तीनों को सोचिए, तीनों क्या बना रहे हैं आपस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 6 6 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 2 ओम। ठीक है, तो 2 ओम आ गया, तो यहाँ पे फाइनली देखिए एक 3 ओम, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये अमीटर है। ठीक है, रिमेनिंग सर्किट को मैंने एक इस तरह से लिख दिया, ये 2 ओम, ये लिख दिया 2 ओम। ठीक है, ये तो 3 ओम है ही सही, ये 4 वोल्ट की बैटरी है ही सही। ठीक है, हमें इस सर्किट में करंट निकालनी है आई, तो आई क्या होगी बच्चों, आई की वैल्यू देख लो इसके अंदर, आई क्या होगी, अब यहाँ पे आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर नेट। ठीक है, तो ई अपॉन आर नेट, या कहते हैं ई नेट अपॉन आर नेट, तो ई नेट कितना है, जो बैटरी है वो कितनी है, 4 वोल्ट की। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 ओम, तो 4/5 कर दें कितना हो जाएगा, 0.8 एम्पियर, तो यह आंसर 0.8 एम्पियर, आगे समय में 0.8 एम्पियर ये इसका रिजल्ट बनेगा। चलो आगे आते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मैक्सिमम करंट एंड पावर प्रोड्यूस बाय अ सेल ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज, तो चो करंट मैक्सिमम कब होती है, पहली बात तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, किसी भी सेल से हमें करंट मैक्सिमम करंट लेनी है तो उस केस में करंट के साथ रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करो, 0, मतलब सेल के दोनों एंड्स को आप शॉर्ट सर्किट कर दो, मतलब दोनों को आपस में मिला दो, तो उस केस में करंट क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू मैक्सिमम कब होती है, आई इज इक्वल टू मैक्सिमम, ठीक है, व्हेन आर इज इक्वल टू 0, कैपिटल आर इज इक्वल टू 0, उस समय करंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो यहां पे उस केस में आई इज इक्वल टू क्या जाएगा, आई मैक्स इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर अपन जो करते हैं। ठीक है, तो ई कितना है बेटा यहाँ पे, कैपिटल ई 10 वोल्ट, ये रख दिया 10 वोल्ट। ठीक है, आर कितना है, 0, स्मॉल आर कितना दे रखा है, 2 ओम, तो कितना आ गया ये, 2 एम्पियर, तो मैक्सिमम करंट कितनी आई, 2 एम्पियर। चलो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 2 एम्पियर वाला, टिक कर देंगे, चलो फिर भी अपन देख लिया, अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर की बात कर रहा है, मैक्सिमम करंट तो निकाल ली है, अब मैक्सिमम पावर, पावर इज इक्वल टू मैक्सिमम कब होती है बेटा, पावर इज इक्वल टू मैक्सिमम कब होती है, व्हेन आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, जब आर इज इक्वल टू स्मॉल आर होता है उसमें पावर मैक्सिमम होती है, तो पावर मैक्सिमम करेंगे, तो पावर मैक्सिमम के लिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो पहले आई निकालें, आई कैसे निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले से ई अपॉन आर प्लस आर करके, ई कितना है 10, आर प्लस आर दोनों क्या है, सेम है, मतलब 2 + 2, ठीक है, 2 + 2, कैपिटल आर भी किसके बराबर, स्मॉल आर के, मतलब 2 के बराबर है। ठीक है, तो ये तो कितना आ गया बेटा, यहाँ पे देखिए 10/5, इसका स्क्वायर करेंगे 10/4, मतलब 5/2, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2, तो कितना हो गया ये, 2 टाइम्स कट गया, 2 से 12.5, तो मैक्सिमम पावर क्या जाएगी, 12.5 वाट, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड, 2 एम्पियर एंड 12.5 वाट। ओके, चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 198 में आपसे कह रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ईच सेल निकालना है, तो आप गौर से देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे सेल बिल्कुल सिमिलर वे में कनेक्टेड हैं, कितने भी सेल कनेक्टेड हो, चाहे 5 सेल हो, चाहे 10 हो 15 20, कितने भी हो, सारे के सारे सेल, देखो सारे के सारे सेल सिमिलर टाइप से कनेक्टेड है,
है कि नहीं, सिमेट्रिक फॉर्म में कनेक्टेड, सिमिलर वे में, तो आप चाहे यहाँ पे फिंगर रखें, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, कहीं भी रखें, सब जगह आपको पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम। सब जगह पोटेंशियल, चाहे यहाँ रखें फिंगर, चाहे यहाँ पे, सब जगह पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा। तो पोटेंशियल सेम होने की वजह से किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, क्या आएगा, जीरो। मतलब जैसे एक कोई पॉइंट यहाँ ले लें, एक यहाँ पे, तो ये जितना पोटेंशियल यहाँ पर है उतना पोटेंशियल यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। ठीक है, क्योंकि पूरा सर्किट सिमेट्रिक फॉर्म में, तो इसलिए एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, जीरो। ठीक है, तो एवरी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल जीरो आएगा। ओके, चलो आगे आए क्वेश्चन नंबर 198 पर, 198 हो गया, 199 पे, 199 देखिए, 199 आपसे कह रहा है, इन द सर्किट इफ अ कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, द करंट इन दिस वायर विल बी, तो करंट किधर को फ्लो होगी ये आपको बताना है। तो बटो देखिए, यहां पे इस जगह ये वी वोल्ट की बैटरी लगी है, ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है, इक्वल इक्वल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिल्कुल मिड पे 5 आ जाएगा, 5 वोल्ट, मतलब बिल्कुल सेंटर पर, दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पोटेंशियल मिड पॉइंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, ये 1 ओम, ये 3 ओम है, तो 1 ओम यहाँ पे छोटा रेजिस्टेंस है, 1 ओम स्मॉल रेजिस्टेंस है, इसलिए इस पे पोटेंशियल डिफरेंस भी स्मॉल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल होने की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा आएगा। ठीक है, जैसे आप देखिए, मान लो इस पे पोटेंशियल 10 है, ठीक है, मान लो इस पे 10 वोल्ट है, इस पे पोटेंशियल, इस पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल मान लो सपोज यहाँ पे 0 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कितना आ गया, ए पे तो आ गया 5 वोल्ट, कोई मिड पॉइंट हो गया। अब यहां से इस पे देखिए, 1 ओम एंड 3 ओम आपस में कनेक्टेड है, किसमें, सीरीज में, सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए इस पर पोटेंशियल आएगा कम, 1 ओम पर पोटेंशियल डिफरेंस कम आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम आएगा तो यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे हो सकता है इस जगह पोटेंशियल कितना है, 8। देखिए 10 और 8 का डिफरेंस कितना आ रहा है, ओनली 2, मतलब स्मॉल आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों को अपन कंपेयर करें तो किधर का वोल्टेज ज्यादा आ रहा है, बी वाला, तो करंट किधर जाएगी, बी टू ए, तो करंट होगी बी टू ए, फ्लो होगी, फ्लो फ्रॉम बी टू ए, आई बस समय में। तो इससे अपन देखते हैं किधर का पोटेंशियल ग्रेटर है, किधर का लेसर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट फ्लो होगी, आई बस समय में। तो देखिए बच्चों, अब इस पर अपन देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन 200, क्वेश्चन नंबर 200 क्या कह रहा है आपसे, When current supply by cell to a circuit is 0.3 ampere, ठीक है, and its terminal potential 0.9 volt obtain. When current supply becomes 0.25, potential difference 1.0 volt obtain. Internal resistance बताना है। तो चलो देखो, I and V के बारे में information दे रखी है। I and V में relation क्या होता है? आप जानते हैं V is equal to E minus IR. ये आप जानते हैं V is equal to E minus IR. तो पहले voltage कितना है? 0.9, ठीक है, 0.9 रख दिया। Current कितनी रखी है आपको? 0.3. ठीक है, 0.3 करंट दे रखी है, ये रख दिया। फिर बाद में वोल्टेज दे रखा है 1.0 वोल्ट, एंड करंट की दे रखी है 0.25 आर। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके अपन को आर निकालना है। तो एक काम करें, चलो 2-1 करें, इक्वेशन 2-1 करोगे तो यहां से माइनस करने पे क्या आएगा, 0.1, ये ई कट जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 0.05 आर, या तो यहां से इधर डिवाइड कर दो तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 ओम। तो R is equal to 2 ओम, कौन सा आंसर है, सेकंड। ठीक है, तो इस तरह अपन ये कंप्लीट पेपर अपन ने सॉल्व किया। ठीक है, आशा करता हूं पेपर आपका अच्छा गया होगा। इसी प्रकार से आप अच्छे अपने आप को इंप्रूव करते रहें और अपने सही पेपर्स को और बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करें। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, ओके, ऑल द बेस्ट।